हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल की, और इस ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग देख रहे थे हमारा पेपर टू में हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के बारे में बात किया था, और फिर आगे हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में बात कर लिए थे। सारी की सारी फिजियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनो से रिलेटेड। उसको भी फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं 15 टू 20 मिनट में, एंड देन वी विल मूव ऑन टू न्यू चैप्टर, दैट इज ड्रेनेज। फटाफट उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनको भी आप अपने प्रिलिम्स के प्रिपरेशन के लिए या फिर मेंस के प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। सबसे पहले अगर क्वेश्चन बात करें, देखिए अर्थक्वेक के बारे में है। अब देखिए अर्थक्वेक क्या है और कैसे निकलता है, ये सारा का सारा अगेन हम लोग पेपर वन में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जस्ट एक अगेन आइडिया दे देता हूं। अर्थक्वेक की मतलब होता है शेकिंग। शेकिंग जब भी धरती जो होती है, जब भी अर्थ का सरफेस शेक कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया हुआ है। अर्थक्वेक आने के सेवरल रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें, और वो हम लोग बेसिकली नेचुरल रीजन के बारे में बात करेंगे। जैसे एक सबसे बड़ा रीजन हो जाता है, और वो होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब कि जब भी कोई भी प्लेट, चाहे वो ओशियनिक प्लेट हो, चाहे वो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट हो, जब भी एक दूसरे के साथ में ये टकराती है, तो टकराने के कारण से ये दोनों के दोनों जब आपस में टकराएंगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी जनरेट होने का मतलब आपस में कोलिजन होगा। ये कोलिजन के कारण से जो भी इनकी काइनेटिक एनर्जी थी, इन मूवमेंट है, तो मूवमेंट के कारण से इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, साउंड एनर्जी में। अब ये साउंड एनर्जी ऑब्वियसली आगे जब प्रोपेगेट करेगी, साउंड इज अ वेव, यू नो दैट, कि जो हमारी वेव है, जो हमारी साउंड है, बेसिकली वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्मेट में होकर के निकल के आती है। वेव बेसिकली दो तरीके से होती है, एक होती है जो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, और दूसरी होती है जो ट्रांसवर्स होती है। तो ये सब आई होप आप लोगों को फिजिक्स में इतना बेसिक नॉलेज होगा। तो जो साउंड वेव जब आगे प्रोपेगेट करती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्मेट में, तो ये आगे जैसे ही प्रोपेगेट करेगी, तो ऑब्वियसली एक शेकिंग के फॉर्मेट में जब सरफेस पे पहुंचेगा, तो एक शेकिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी फिर सरफेस को प्रोवाइड कर दी जाएगी, और सरफेस फिर उस चीज को बैलेंस करने के लिए एक शेकिंग निकल करके आ जाएगी, और यही शेकिंग को बोला जाता है अर्थक्वेक। क्लियर हो गया क्या चीज अर्थक्वेक है? चलिए, तो ये हुआ प्लेट टेक्टोनिक के फॉर्मेट में। दूसरी जो हो सकती है, वो हो सकती है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, लाइक दिस कैन बी बिकॉज ऑफ वोल्केनो, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ हॉटस्पॉट, ठीक है। तो ये हमारी चीजें भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, अगर कहीं पर अवलांच आती है, तो उसके कारण से भी अर्थक्वेक आ सकती है। तो अर्थक्वेक आने के देखिए सेवरल रीजंस हो सकते हैं, उसमें से हम लोगों ने कुछ मेन डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर। अब देखिए आगे अगर बात करें, तो अर्थक्वेक आर वाइब्रेशन ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय रप्चर एंड सडन मूवमेंट ऑफ रॉक दैट हैव बीन स्ट्रेन्ड बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट। इन अदर वर्ड्स, अर्थक्वेक आर मूवमेंट विद इन द अर्थ कॉज्ड बाय नेचुरल और मैनमेड स्ट्रेस। नंबर ऑफ चीजें हो जाती है मैनमेड के कारण से भी, जैसे कि अगर मान लीजिए डैम बना रहे हैं, तो वहां पर अर्थक्वेक आने का चांस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का एक एक्यूमुलेशन हो रहा होता है, तो ये एक रीजन हो जाता है। इसके अलावा देखिए, माइनिंग वगैरह की जाती है, डायनामाइट फोड़ा जाता है, तो इस कारण से भी अर्थक्वेक आ सकती है। तो अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय किसके किसके कारण से, एक तो वोल्केनिक इरप्शन हो गया, दूसरा हो गया रप्चर एंड सडन मूवमेंट ऑफ रॉक्स फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, तीसरा हो गया मूवमेंट ऑफ प्लेट, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और चौथी हो जाती है जो हमारी मैन मेड होती है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। इसके अलावा बात करें, तो स्ट्रक्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड विद प्लेट बाउंड्रीज इन विच फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग आर रेगुलर फीचर। मैन हैज कंस्ट्रक्टेड न्यूमरस डैम्स एंड रिजर्वॉयर अक्रॉस रिवर्स। ऑल दिस फैक्टर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली लीड टू अर्थक्वेक इन द कंट्री। कॉन्सिक्वेंटली एवरी ईयर न्यूमरस अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड इन द हिमालयन रीजियन, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, पूर्वांचल एंड द आईलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो जहां जहां पर भी देखिए आपको प्लेट इंटरैक्शन देखने को मिलेगा, या जहां जहां पर भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, वहां वहां पर हमें ये अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जोन में डिवाइड करके रखे हैं। जैसे हमारी अलग अलग जोन होती है, जैसे जोन 1, 2, 3, 4, 5। हालांकि जोन 1 और जोन 2 को अब मर्ज करके जोन 2 कर दिया गया है, तो हमारे पास केवल और केवल चार ही तरीके के जोन अवेलेबल हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए खैर, तो
हालांकि जो होता है इसमें जोन फाइव में अगर बात करें तो जोन फाइव सबसे ज्यादा भयावह होती है, सबसे खतरनाक होती है, फोर उससे कम होती है और टू और थ्री तो खैर बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट कंप्राइजिंग सिस्मोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू सिक्स सिस्मिक जोन, छह सिस्मिक जोन में इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है। लेट मी क्लियर इट एंड अबाउट 60% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री इज अंडर मॉडरेट एंड हाई सिस्मिक जोन। A belt of about 3500 km length and about 500 km width in North India is the main earthquake prone zone of India, characterized with devastating earthquake of high magnitude. तो आई होप आप इस चीज को क्लियर कर रहे होंगे क्योंकि ये फैक्चुअल डिटेल है तो यहाँ पर कुछ खास समझाने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट हमारी आती है वोल्केनिसिटी इन इंडिया। वोल्केनो के बारे में अगेन मैं क्या कहूंगा कि देखिए ये अगर हमारी ये अर्थ का सरफेस है तो ये हमारी अर्थ में टॉप पे आ जाती है हमारी जो क्रस्ट होती है। क्रस्ट के नीचे हम लोगों को पता है कि एंथ्रोपोस्फीयर होता है, एस्थेनोस्फीयर होता है, दिस इज एस्थेनोस्फीयर और इस एस्थेनोस्फीयर के नीचे हमारा आ जाता है मेंटल। इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में चर्चा भी करेंगे, हालांकि थोड़ी मोड़ी आपको नॉलेज तो होगी। यहां पर जो मेंटल है यहां पर पूरा का पूरा लावा फॉर्मेट में होता है या बोल सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्मेट में होता है। ये आप लोगों को पता होगा कि जो एस्थेनोस्फीयर होती है एस्थेनोस्फीयर सेमी लिक्विड या फिर कह सकते हैं कि सेमी प्लास्टिक फॉर्मेट में ये रहती है और उसके ऊपर में जो क्रस्ट होती है वो प्लेट्स के फॉर्मेट में होती है। अब चूंकि यहां पर क्या है लगातार बॉइलिंग चल रही है तो बॉइलिंग के कारण से यहां पर कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाएंगी। जैसे कि आपको पानी बॉइल किए होंगे या फिर दूध बॉइल किए होंगे तो आपने देखा होगा कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इंटरनल हीट। और हमें पता है कि अंदर में जो कोर है वो काफी ज्यादा हीटेड पोजिशन में है तो हीट होने के कारण से यहां पर कन्वेक्शन सेल्स चल रही होंगी। इस कन्वेक्शन सेल के सहारे ये जो एनर्जी है वो आगे की ओर प्रोपेगेट करती जाएगी। इस एनर्जी के प्रोपेगेशन के कारण से लगातार यहां पर जो प्लेट्स होंगी वो ब्रेक कर जाएंगी और ये ब्रेक करने के कारण से ही जो भी यहां पर प्लेट होंगी या तो वो कन्वर्ज हो रही होंगी या तो वो डाइवर्ज हो रही होंगी या फिर वो एक दूसरे के साथ ट्रांसवर्स में आएंगी। जब हम लोग पेपर वन के बारे में बात करेंगे तो यहां पर हम लोग एक 3D पिक्चर के सहारे कोशिश करेंगे जानने की कि व्हाट इज कन्वर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड व्हाट इज ट्रांसवर्स मूवमेंट। फिलहाल देखिए यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए अंदर क्या है, अंदर के साइड में अगर देखेंगे तो अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बना हुआ है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जैसे क्या है, मान लीजिए प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आपकी ऊपर सीटी लगी हुई है, एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो ज्यादा प्रेशर होने पर वहां पर वो रिलीज कर देता है। लेकिन यहां पर क्या है कि चारों ओर से पैक है, चारों ओर से पैक है तो कुकर क्या करेगा, फट जाएगा अगर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा तो यहां पर भी ये क्या करेगा, कोशिश करेगा हमेशा कोई एक ऐसा स्पॉट खोजने की जहां से ये अंदर का जो हाई प्रेशर है उसको रिलीज कर सके। अब ये प्रेशर कब कहां मिलेगा, कहां पर, जहां पर भी हल्की सी फॉल्ट आ जाएगी, जहां पर भी हल्की सी फॉल्ट आ जाएगी या जिसको हम लोग बोलते हैं फिशर या जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैक, ये तीनों का टर्म का मतलब एक ही है। तो जहां से भी हल्की सी भी अगर पॉसिबिलिटी होगी उसको ये ब्रेक करके वहां से अपना गैसेस निकलनी शुरू हो जाएगी और जैसे ही गैस निकलेगी वैसे ही एरिया वाइड होगा, वाइड होने के कारण से ये और तेजी से यहां पर मूवमेंट हो जाएगा और इस मूवमेंट के कारण से ही जो अंदर का भी मटेरियल है वो उसी हवा के साथ, उसी वेपर के साथ, उसी एयर के साथ फटाफट बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेटली वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। तो ये हो जाती है वोल्केनिक इरप्शन की पूरी परिभाषा। क्लियर हो गया क्या चीज है वोल्केनो क्या है। इसके अलावा देखिए हमें डाइवर्जिंग प्लेट के दौरान में भी वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलती है, कन्वर्जिंग प्लेट के दौरान में भी हमें वोल्केनिक इरप्शन देखने की मिलती है। बस क्या होता है कि सबका रीजन, सबका जो कारण होता है वो अलग अलग हो जा रहा होता है। अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ कनेक्टेड बाई अ कॉन्डिट टू एन अंडरलाइंग मैग्मा चैम्बर, जो कि हमारे मैग्मा हमारी कहां मिल जाती है, मेंटल में, फ्रॉम विच मोल्टन लावा volcanic gases, stream and pyroclastic material are ejected. Clear? It is usually in the form of a peak which may be cone-shaped or dome-shaped depending on the type of volcano and type of material ejected. जिस तरीके से material निकल रहा है उसी के हिसाब से ये depend कर जाएगा किस तरीके का volcano होने वाला है, क्योंकि हमारे पास several type के volcano हो जाते हैं, जैसे एक होती है जिसको composite volcano बोला जाता है। Again ये सारा का सारा देखिए paper one की ही बात है, यहाँ पर केवल और केवल हम लोग surfacial देख रहे हैं। एक होती है कंपोजिट होती है, दूसरी होती है जिसको डूम शेप्ड बोला जाता है, फिर इसके अलावा कोन शेप्ड हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास सेवरल टाइप की वोल्केनो हो जाती है। लास्ट वन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शीट वोल्केनो, दिस इज शीट वोल्केनो।
तो इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए पीक विच मे बी कोन शेप्ड और डोम शेप्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वोल्केनो एंड टाइप ऑफ जो मटेरियल निकला हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट होगा, चाहे वो बसाल्ट होगा, चाहे वो एंडेसाइट होगा, या फिर वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होगा, पेरिडोटाइट होगा. क्लियर. द मेन कॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन आर एसोसिएटेड विद सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि हैरी हेस ने दिया था, प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो जा रही होती है. एट प्रेजेंट द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया आर बैरन एंड नारकोंडम आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पे पाया जाता है. बट ज्योग्राफिकल एविडेंस इज अवेलेबल फॉर वोल्केनिसिटी इन द पास्ट, पुराने जमाने में यह पाया गया है कि यहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था. इनफैक्ट हमारे प्लेट टेक्टोनिक की अगर आप मदद लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक समय हिमालय के भी एरियाज में वोल्केनिक इरप्शन हुए होंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर भी प्लेट आपस में प्लेट बाउंड्री टकरा रही है. पहले ओशियनिक टेथिसी ओशियन और जो हमारी लैंड है इन दोनों के बीच में पहले कोलिजन हुआ. एज पार्ट ऑफ रिजल्ट 100% यहां पर वोल्केनिक इरप्शन के अवशेष हमें मिलने चाहिए. अगर हम लोग बात करें पूरे के पूरे इंडिया में कौन कौन से वोल्केनिक इरप्शन के जोन है, तो देखिए पूरा का पूरा आपको बता दिया गया. देयर आर सिक्स एरियाज ऑफ वोल्केनिसिटी इन द कंट्री विच आर गिवन बिलो. कौन कौन से हैं? पहला है धारवाड़ वोल्केनिसिटी. धारवाड़ का मतलब जो झारखंड के इलाके में है. ट्रेसेस ऑफ बसाल्ट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डालमा ट्रैप इन झारखंड. ये देखिए आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको यूज ही कर लेंगे. दूसरी होती है कटप्पा वोल्केनिसिटी. ये पाई जाती है दिस ऑक्युपाइज कटप्पा बीजापुर एंड ग्वालियर एरियाज. तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि ये जो रीजियन है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया को लेकर के बनाया गया है. तीसरी आ जाती है विंध्यन वोल्केनिसिटी और इट्स एविडेंस आर फाउंड इन द मलानी, जो कि जोधपुर में है, किराना पंजाब हिल्स इन राजस्थान. तो ये बेसिकली इस एरिया का हो जा रहा होता है. फिर आती है हमारी पैलियोजोइक वोल्केनिसिटी. ड्यूरिंग दिस फेज वोल्केनिक इरप्शंस वर नोटिस्ड इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कहां पर, हिमालय फेरे में. क्योंकि पैलियोजोइक एरा के बाद ही हमारी टर्शियरी एज और उसी के दौरान में हमारी हिमालय का उत्थान हो जाता है. हिमालय एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इरप्ट करना, हिमालय अब जो होता है अपलिफ्ट करना शुरू कर दे रही होती है. ट्रेसेस ऑफ वोल्केनिक डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन पीर पंजाल रेंज, डलहौजी, भुवाली, भीमताल एंड सागौन. ठीक है, तो ये हमारे इलाके हो जाते हैं जो हमें बता रहे हैं कि यहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था. फिर आती है हमारी मीसोजोइक वोल्केनिसिटी. ड्यूरिंग दिस पीरियड वोल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस इन राजमहल हिल्स एंड एबोर हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो अगेन ये कहीं ना कहीं बता रही है कि हमें फॉल्ट जो होती है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ अ कोलिजन. ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है हमारी द क्रिटेशियस वोल्केनिसिटी. ड्यूरिंग दिस पीरियड इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ बसाल्ट अनविल्ड थ्रू फिशर्स इरप्शन ओवर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला फॉर्मिंग द डेक्कन ट्रैप. तो ये तो खैर आपको आइडिया लगी गया कि ये क्या चीज है. तो दिस थिंग ऑल हम लोगों ने डिस्कस किया पूरे के पूरे वोल्केनो के बारे में, वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, और फिर हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कौन सी वोल्केनिक एरियाज हो जा रही होती हैं. तो यही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में था. ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे हमारी ड्रेनेज के बारे में. ड्रेनेज को फटाफट देखेंगे और उसके फिर आगे देखेंगे क्या कुछ हमारे पास है. अगर आपको कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको आप लोग फटाफट ज्वाइन करिए और उसके बाद से अगर आपको डाउट होता है तो उसमें डाउट पूछ सकते हैं. मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.